कहते हैं आईना शिनाख्त देता है, जिसे शिनाख्त मिल गई उसको मंजिल मिल गई। शिनाख्त और पहचान ही इंसान को दूसरी मखलूक से मुमताज करते हैं। कितने बेवकूफ इंसान हैं, खुद को जिंदा साबित करने के लिए मौत के अदालत में जाते हैं। बच्चे तो वक्त के होंठों का गुलाब होते हैं। आईने जैसे नाजुक बदन वाले बच्चे क्या पानी के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं? क्या पानी सिर्फ मरीजों को ही पिलाया जाता है? क्यों, ऐसा क्या गुनाह था? क्या ये बेवकूफ लोग नहीं हैं जिन्होंने कभी अपने रब को पुकारा ही नहीं है? अगर दिल से पुकारते तो रब तो अर्शों से पानी बरसा सकता है, और वो भी मीठा। काश ये मेरे जैसे कमजोर बंदे को आवाज देते तो कब के इनके मासूम बच्चों के चेहरे पे जो रौनकें छीन ली सिर्फ एक पानी ने, वो मैं बहाल कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आवाज उठाई और आज बस्ती डगर वाली में, वहावा से आगे तहसील तोनसा जिला डीजी खान में बच्चों के लिए पानी का प्लांट हम लगा सके। कितनी मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा, कितनी मेरे ऊपर मुसीबतें आई इस प्लांट को लगाने के लिए, जानिए इस वीडियो में। और आज सारी तकलीफें मेरी दूर हो गईं जब मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हाथ में रोटी पकड़ी हुई है और पानी लेने आ रहे हैं। मीठा पानी सिर्फ मरीजों के लिए था, लेकिन काश ये पुकारते पानी की कीमत दूध की जितनी ना हो। स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। आज मैं मौजूद हूं वहावा शहर की जो बस्ती डगर वाली थी वहां पे, जहां पे आप लोगों की कोशिशों और आप लोगों ने जो हेल्प की उसकी वजह से वाटर फिल्टर प्लांट जो हमने लगाया था, जो कि मेरी सेहत की वजह से मैं आ नहीं सकी थी, उसका उस दिन ओपनिंग थी लेकिन मैं आ नहीं सकी थी, तो आज मैं आई हूँ यहाँ पर। मुझे देख के कोई भी, यानी कि मेरे दिल में खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैं इस इलाके की तरफ आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे आते हुए मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, फ्लड की वजह से इतना नुकसान हुआ है, लेकिन जब मैंने वाटर फिल्टर प्लांट के ऊपर देखा कि बच्चे और कुछ मर्द हजरात, औरतें, छोटे बच्चे जो हैं वो पानी लेने आ रहे हैं और पानी ले कर जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मकदार में पानी ले कर जा रहे हैं, तो मुझे आप यकीन मानिए कि एक सर्द लहर जो थी वो मेरे अंदर दौड़ गई और मैं आज बहुत खुश हूँ। और मुझे वो बात भी नहीं भूलती जो एक काम वाली की बेटी ने 500 रुपये इस वाटर फिल्टर प्लांट के लिए दिए थे। मैंने वाटर फिल्टर प्लांट के लिए एक कॉल चलाई थी कि मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं काम करते हुए, 2 सालों में मैंने पहली बार अपने मुँह से लोगों से पैसे मांगे थे इस वाटर फिल्टर प्लांट के लिए, जो कि आज यहाँ पे लगा है, क्योंकि पानी एक नेमत है और इंसान की जो ज़िंदगी है उसका 70% हिस्सा जो है वो पानी के ऊपर मुश्तमिल है, तो पानी के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। जब मैं यहाँ पे आई तो औरतों ने मुझे रो के कहा था कि बाजी यहाँ पे सिर्फ बीमारियाँ ही बीमारियाँ और कुछ नहीं, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, पानी पीते हैं, खारा पानी था, कड़वा पानी था। तो इस वाटर फिल्टर प्लांट को लगाने के लिए मैंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं, क्योंकि मैंने पैसे बमुश्किल से बहुत थोड़े इकट्ठे कर पाई थी, और उसके बाद फिर शिकागो ने मेरा साथ दिया और बादामी बाग से एंड पे जो हुआ था वो आ गए और उन्होंने मेरा साथ दिया और काफ़ी लोगों ने मिलके, यानी कि आप ये सोच लें कि एक काम वाली की बेटी ने भी इसमें 500 रुपये मिलाए हैं, तो जितना लोग यहाँ से रोज़ पानी भरेंगे, पिएंगे, बीमारियों से बचेंगे, तो कभी ना कभी उनके दिल से दुआ ज़रूर निकलेगी कि जिन लोगों ने भी ये कोशिश की उनके लिए सारी ज़िंदगी के लिए ये सदका जा रही है। सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना बड़ा जो मेरा प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट करने में मेरी हेल्प की, और आप लोगों की एक एक रुपये की अमानत यहाँ पर मैंने ला के लगाई, क्योंकि मैं अमानतों का बड़े ध्यान से ख्याल रखती हूँ, क्योंकि अमानत जो होती है ना वो अल्लाह की होती है और उसको बड़े तरीके से लेके चलना पड़ता है। तो सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वाटर फिल्टर को जो प्लांट लगाया गया है बयान कर सकूं। यहाँ पे बिजली का बिल ये लोग नहीं दे सकते थे, क्योंकि गरीब लोग हैं, खेती बाड़ी का इनका जो भी है वो सिस्टम है, तो हमने इसको सोलर जो है ना सिस्टम के ऊपर कर दिया है, इसका बिल भी नहीं आएगा। और अब चंद लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं कि इनको वाटर फिल्टर प्लांट हमारा कैसा लगा। ये अल्लाह की रज़ा के लिए लगाया गया है, किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है, इवन के शिकागो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान में जो लोग हैं मैं, किसी की भी ये ज़ाती मलकियत नहीं है। इवन के ये जो जगह खरीदी गई है आपको नज़र आ रही है, पूरी हवेली है, इसके अंदर ये फिल्टर प्लांट लगाया गया है। इसके लिए हमने
सोचा है कि ये जगह जो है वो मस्जिद के नाम मुख्तसिस कर दी जाए या कुछ ख़वातीन के लिए यहाँ पे ऐसा सेटअप लगाया जाए जिससे ख़वातीन को फ़ायदा हो। तो उसके लिए मैं आपको अभी से एक नाम बता देती हूँ, अपने जहनों में वो जहन नशीन कर लें। नाम है जी मोहम्मद अहमद काशिफ साहब, मुल्तान में होते हैं, सच टीवी के एंकर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। जब आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आप भी अशश कर उठेंगे। वो हमारे इस प्रोजेक्ट को जितने भी आगे आएंगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह, तो वो हमारे साथ रहेंगे। नाम मैंने आपको बता दिया है, आप उनसे वाकिफ़ भी हो जाएंगे। बहुत जल्द मैं उनका इंटरव्यू भी करूँगी इंशाल्लाह, वो बड़े नेकी के काम करते हैं। अभी गाँव के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा वाइट सूट पहन के वाटर फिल्टर प्लांट पे आए हुए हैं। ये आपके आने की खुशी में जो समझ लें, माशाल्लाह से आपने इतना बड़ा तोहफा दिया है हमारे इलाके में। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा फिल्टर प्लांट भी हमारी यहाँ बस्ती में लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सियासी लोग आए, जो भी आए, बस फिल्टर प्लांट अगर एनीवन तो लगा नहीं, अगर कोई लगा भी है तो एक आध हफ्ता भी नहीं चला। जो माशाल्लाह से ये एक बहुत बड़ा एक आपने जो हमें इनाम दिया है, पानी की कदर हम ही जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मीठा पानी तो कभी देखा भी नहीं था, ख़रीदना तो दूर की बात। और आपने माशाल्लाह से इतना बड़ा मकान बनाकर भी दे दिया और इतना अच्छा काम किया, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और यकीन करें, जब आप बीमार हुई तो बस्ती का एक एक बच्चा, एक एक औरत, एक एक बूढ़ा सब दुआएँ मांग रहे थे कि जाल्ला बाजी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो बहुत लोग परेशान थे जब आपकी तबीयत ख़राब थी, और आज अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं तो यही समझता हूँ कि इन लोगों की ही दुआएं हैं। मैंने इन लोगों को देखता है दुआएं मांगते, बच्चों को, बूढ़ों को, मर्दों को। जी बिल्कुल, इन्होंने और मेरे अब्बू का हाल देखे जी, वो अपने हाथों से फिल्टर प्लांट की सफाई कर रहे हैं। मेरे अब्बू साथ आए हुए हैं, ये देखे जरा, उनको बड़ा एहसास है। ये हम ना हैं तो गरीब से लोग, लेकिन एहसास वाले। वो अंदर थोड़ी सी रेत वगैरह गई हुई है तो अब्बू उसको साफ करने की कोशिश कर रहे। तुम इधर आइयो जरा, की कहोगे इधर दसो, इधर बोलो, इधर च बोलो। जिन्होंने प्लांट लगा के दिता उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया इंशाल्लाह। इन्होंने रो पड़ना है और मैं मेरे गल नहीं, अपने हाथों से ये देखे सफाई करवा रहे हैं फिल्टर प्लांट की, क्योंकि वो पानी जब लेके जाते हैं ना तो वहाँ से पानी गिर गिर के फिर कीचड़ हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देख के बड़ा मुस्कुरा रहे हैं इंशाल्लाह। हम बहुत खुश हैं बाजी, अल्लाह ताला आपको सियात दे, अल्लाह ताला उन लोगों को भी सियात दे जिन्होंने हिस्सा मिलाया है इसमें। तो हम बहुत खुश हैं, परेशान भी हुए जब आप बीमार हुए तो बच्चे रो रो दुआएं मांगते थे, अल्लाह ताला उज़्मा बाजी को सियात दे, आकर अपने फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह करे, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। हम बहुत खुश हैं, सब लोग खुश हैं बाजी इंशाल्लाह। जी मैं आपकी बात कराती हूँ हाफिज़ मोहम्मद असगर साहब से, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को, जितने भी तीन प्रोजेक्ट थे उनको कंप्लीट करने में हमारी मदद की। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, मेरे पास तो अल्फाज नहीं, आप ही कुछ कह दें। वाटर फिल्टर प्लांट, बस मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है। ये एक ऐसी नेमत है ना अल्लाह पाक की, कहते हैं ना कि सोने की कदर सिर्फ सुनार ही जानता है जी। तो हमें तो इस चीज़ का पता है, हमारे खासकर ये मीठा पानी हम लोग अपने मरीजों को पिलाते हैं, या सिर्फ उनके लिए जो डॉक्टर दवाई देते हैं ना, उनकी दवाई जो तैयार होती है उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ये नेमत आ गई हमारी बस्ती में। जी कह रहे हैं कि ये जो मीठा पानी था सिर्फ मरीजों को पिलाया जाता था, बाकी पूरा गाँव खारा पानी पीता था। बिल्कुल ऐसे ही है, अक्सर लोग यहाँ पे आप देख लें, किसी को भी देख लें, सेहतमंद आपको लोग नजर नहीं आएंगे, तंदुरुस्त नजर नहीं आएंगे, सब बीमार हैं सिर्फ पानी की, पानी की वजह, मेन वजह पानी है, क्योंकि जिंदगी का 70% इंसार जो पानी के ऊपर ही है इंसान का। सारी जिंदगी के लिए ये वाटर फिल्टर प्लांट लगा है, हमारे मरने के बाद भी ये चलेगा इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। कुछ पैगाम देना चाहे उन लोगों को जिन्होंने इस वाटर फिल्टर प्लांट को लगाने में जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किलात भी पेश की थी, और कुछ लोग मुझे मारना भी चाहते हैं आपके वहावा शहर से, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि आपने प्लांट क्यों लगाया? अगर वहावा शहर का कोई बंदा मुझे इस टाइम सुन रहा है ना, जो मारना चाहता है वो आ जाए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हाफिज़ असगर नाम है मेरा, कौम का मैं बलोच होता हूँ। यहाँ पे कोई भी अगर ऐसा शख्स, कोई बुजदार, कोई सरदार, कोई कैसरानी, अगर आप लोगों को इस तरह का कोई हरासमेंट करना चाहता है तो मेरे से सामना करे, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके सामने खड़ा हूँ। बाकी उन लोगों का मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने ये इतना बड़ा कारनामा जो है ना वो काम किया हमारे यहाँ इस बस्ती के अंदर। नहीं, आप पूरे जहाँ जहाँ पे सैलाब है वहाँ पे आप जाके देखें, अभी तक अभी जो फ़ौज आई थी उन्होंने
पटवारी के साथ मिलके एक सर्वे किया था, उन लोगों को पैसे 50,000 किसी को 1,00,000 रुपये मिल रहे हैं, अदरवाइज़ किसी बस्ती के अंदर कोई सरकारी काम नहीं हुआ है। तो हमारी उन लोगों से भी दरख्वास्त है जो खासकर जो पटवारी हजरात हैं उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि खुदारा उन लोगों का रुख करें जिन लोगों के नुकसान हुए हैं, बल्कि अपने जो है ना वो चहितों को ना देखें। और ये सरदारान से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग बिला वजह जो है ना किसी को परेशान ना करें, आप लोग आ जाएं, आप काम करें, आप लोगों को ज़्यादा देते हैं हम लोग, आप लोग आएँ, आप आगे आए के काम करें। हमने लाहौर से साथी बुलाए, क्यों आप लोग सोए हुए थे जी? बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई, दरअसल मेल खान रख के थे कराची तक मैंने अपना इलाज किया है। क्या हुआ आपको? मेरे गुर्दे सही नहीं थे। अच्छा जी। अब पानी प्लांट लगा था उधर, वो हुकूमत ने लगाया था, वो तो बंद हो गया। फिर मैं जरा ना तंग थी कि पानी दूर दूर से भर के लाता था। अभी तो आपको दुआएं देते हैं, लेकिन ये हमारे पैसे ऐसे बैठे हैं, घर का कोई निज़ाम नहीं है। चले अल्लाह खैर करेगा, वो भी हो जाएगा। अच्छा। अभी पानी तो आप पिए ना, पानी पी के खुश होएं। ये मेरे अब्बू आज मेरे साथ आए हैं बस्ती डगर वाली में, और आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। साढ़े सारे भरावान का भी शुक्रिया अदा असं करने हैं, तो इन्हें भी असं ये ला दिता है, अल्लाह की दाद ने लाया, असं नहीं लाया, भैन भरावान की दुआ अलग है। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੰਮੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਮਾਰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਛਾਪਰ ਪੈ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਾ ਲਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਨਾ ਥਾਂ ਚਿਲਕਦੀ ਹੋਵੇ। थोड़े से सादा मिजाज के, इनको आपको पता ही, मुझे भी नहीं बोलना आता, इनको भी नहीं आता, तो गुजारा कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। जब तक ये फिल्टर प्लांट लगा रहेगा, जब तक आपको जिंदगी में दुआएं इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। ढेर सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा इस वाटर फिल्टर प्लांट के लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।